हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुहाने से मौसम के साथ। तो दोस्तों, आज हो रही झमझमाती हुई बारिश और ठंडा भी बढ़ गया है। और आज हमें मैं करने वाली हूँ कुछ ऐसा काम, बहुत तगड़ा काम है, और मैं दिखाऊंगी आपको मैं क्या करने वाली हूँ। शायद उस काम से मेरे कपड़े भी ख़राब हो जाएँ और शायद मुझे दोबारा नहाना पड़ जाए। मैं दिखाऊंगी आपको मैं क्या कर रही हूँ, और आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके सामने इस तरह से नई नई वीडियो लाते रहूँगी। पहाड़ी कल्चर के बारे में आजकल मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं गई हूँ आजकल अपने मायके, और मैं वहाँ आपको पहाड़ी लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ कि लोग कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या काम करते हैं पहाड़ों में, कैसे क्या क्या होता है। और दोस्तों देखिए, सामने हमारी थैली में ना प्यारी सी जो है फूल आ चुका है, और ये फूल के बाद जो फूल है ना, इसमें बनता बीज, और इसी बीज का जो होता है धनिया यूज किया जाता है। जो धनिया के बीज आते हैं, जो धनिया बनता है पाउडर, इसी का बनाया जाता है दोस्तों। और ये कितना सुंदर फूल आ रहा है, देखिए पहले सफ़ेद आता है, फिर उसके बाद ये गुलाबी हो जाता है, और फिर इसमें दाने आते तो हैं। दोस्तों, ये आ गई मम्मी की चाय, और ये है मेरे लिए, मेरे दो ले आया है चाय, और मैं पीती चाय, और उसके बाद जा रही मैं काम करने के लिए। और बहुत तगड़ा काम है दोस्तों, और बहुत तगड़ा टास्क है मेरे लिए, कौन और सा? अभी आपको भी पता चलेगा, और मुझे पूरा करना है। व्हाट वट 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 मडर वट जेलो हल अले सब देखी जल तुम है तब तले हिटो पे। आप लोग मेरे वीडियो में बनी रही है, और मैं वीडियो पूरा देखिया एंड तक बनी रहा है मैं वीडियो में लास्ट तक। बाय बाय दगड़ियो, मिलनो अब आओ हिटो। अगर हम नीली पेंगे तो गंदा दिखेगा, काला बन जाता है। अच्छा, ये क्या है मम्मा? ये ब्राउन ब्राउन, इसमें मिट्टी मिला रखी है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, गाय का गोबर, गाय का गोबर शुद्ध होता है कहते हैं ना। अच्छा, यहाँ गाय का गोबर या भैंस भैंस का? गाय का बेटा, पर ज्यादातर तो लोग भैंस का ही गोबर लेते हैं, गाय का लेते हैं। मैं काला काला क्या पड़ गया है अंदर से, लकड़ियाँ जलाने की वजह से। और मम्मी ये सरिये किसने लगाए? नाना जी ने। और वो लकड़ी क्यों लगाई वहाँ पर? यहाँ सरिये और वहाँ लकड़ी, वो भी सरिये ही है, सरिये का पूरा बड़ी बड़ी सरिये का। इसमें ना सुबह पानी गर्म होता है ना नहाने के लिए, किसमें? नानी ने कहा कि लीप देगी, मैंने कहा मैं लीप देती थी। यहाँ तो बारिश का भी मौसम हो गया, मैं आपने कोलिए को उठाया मैं पत्थर क्यों नहीं लगाया? लगा दिया बेटा, छोटे छोटे पत्थर मेरे दिन के सकता है। आपसे भरखा था नहीं देखो आपको, यहाँ
लोग झकते नहीं है। नहीं बेटा, उनको तो उसकी आदत होती है ना। हम नैनीताल वालों को तो सर्दियों में नहाने का पानी से भी डर लगता है। अच्छा, आपको नहीं लगता? जरूर, पर मुझे जरूर लगता है। वहाँ नैनीताल में इतनी सर्दी होती है। कभी आराम भी कर लिया करो। मैं तो बाबू नानी की हेल्प कर रही हूँ ना, अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए ना। हाँ, आप करते हो ना मेरी हेल्प? करते हो? हाँ। तो नानी वीक है ना अभी इस वक्त, तो मैं नानी की हेल्प करनी चाहिए बेटा। नानी स्ट्रॉन्ग कब होगी? जल्दी हो जाएगी, नानी वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। नानी अपने काम सारे खुद करती है। कितना उससे बोला है? 40-50 किलो की गाय को ले जाती है। कितने किलो की गाय हो बताओ तो? दोस्तों वो देखिए खतरनाक मकड़ी, मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर लीप हो रहा है, मैं लीप रही और मुझे मकड़ी से डर लगता है। मैं पानी जैसे क्या है? काला 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 मतलब ब्राउन ब्राउन पानी। मिट्टी का तो पानी है, पहली बार देखा क्या? मैंने लीपते हुए कभी देखा है। यहाँ पर बारिश सुबह से बहुत गंदा मौसम हो रहा है, क्या करें? आज भैया ने अपना दहाड़ना शुरू कर दिया ना, बारिश वाला, ऐसे वाला, तब से बारिश ही पड़ रही है। सब कहते हैं कि बच्चे भगवान होते हैं, बच्चे तो सच्ची में भगवान होते हैं ना। दोस्तों मम्मी ने जल्दी जल्दी सारा लीप दिया है और बस यहाँ का ही बच्चा था और ये भी हो गया। आज सुबह तक सूख जाएगा, इसमें फिर पानी गर्म करेंगे हम ना। ये अरे मैं नहीं लूंगा।